एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। मौसम ने करवट बदल ली है, जिसके बाद राजधानी में ठिठुरन और बढ़ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आसमान साफ होते ही राजधानी ठिठुर गई है। 13.6 डिग्री पर तापमान पहुंच गया है रात का। वहीं मौसम विभाग कड़ाके की ठंड पड़ने के भी संकेत दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, लगातार ठंडक बढ़ती जा रही है राजधानी में। आसमान साफ होते ही कड़ाके की ठंड बढ़ती जा रही है और मौसम विभाग ने भी आने वाले समय में कड़ाके की ठंड पड़ने के संकेत दिए हैं। वहीं ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ जीडी मिश्रा जुड़ गए हैं। जीडी जी, क्या कुछ जानकारी है? लगातार मौसम करवट बदलता जा रहा है और आने वाले समय में और भी कड़ाके की ठंड पड़ सकती है क्या? नमस्कार, अभी देखिए प्रदेश में कोई भी सिस्टम अब सक्रिय नहीं है और अभी नमी है। नमी होने के कारण से आर्द्रता बढ़ी हुई है और आर्द्रता बढ़ी होने से सुबह आप देखेंगे कि मैदानी इलाकों में कोहरे की स्थिति बनी हुई है, लेकिन तापमान में गिरावट जारी। जैसे भोपाल में आप देखेंगे आज का तापमान न्यूनतम 11 डिग्री के आसपास होगा और दिन का जो तापमान है उसमें हल्की सी बढ़ोतरी मिली, क्योंकि जो सूर्य की किरणें जो ठीक से आ नहीं पा रही थी या बदल थे या कोहरे के कारण से, अब दिन का तापमान जो काफी कम था धीरे धीरे बढ़ेगा और रात के तापमान पूरे प्रदेश में अभी गिरावट का दौर जारी रहेगा। फिलहाल कहीं कोई सिस्टम वर्षा की संभावना या मावठी की अभी प्रदेश में नहीं है, तो ठंड से बचें, जितना जरूरी उतना ही घर के बाहर निकलें और मास्क लगा के जरूर निकलें, क्योंकि ये कोरोना खत्म नहीं हुआ, कोरोना अभी भी है। तो मेरी लोगों से यही निवेदन है कि मुंह में मास्क ढक कर चलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मौसम करवट ले रहा है जरूर, लोगों को ठंड का एहसास होगा धीरे धीरे और इस अगले हफ्ते पूरा ऐसे ही चलेगा प्रदेश। जीडी जी, आने वाले समय में बारिश की कोई संभावना नहीं? फिलहाल ना बारिश की कोई संभावना है, माउठा कुछ भी नहीं मिलने वाला और एक दो दिन में कोहरे से भी हल्की निजात मिलेगी और तापमान में गिरावट रहेगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद जीडी जी जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, आसमान साफ होने के बाद राजधानी में ठिठुरन बढ़ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आने वाले समय में कड़ाके की ठंड का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है।